ज्यादा चीनी कम चीनी खाना होता है, कम चीनी वाला। ऐसे खास्ता ये सब में होता है ना कि कोई ज्यादा सा, हाँ हाँ, या पहले यही एक मार्केट था, अब दो दो मार्केट कर दिया सिला। देखो ये तिहारी गांव और फिर आदर्श ग्राम तिहारी है ना, पंचायत राज। यहाँ पे अपना दोस्त का घर है भाई अंदर में, बट मैं कभी उसका घर लगता घर में जो भी रहते हैं ना वो बोलते होंगे ना भाई छत में पंखा ना है, इतना गर्मी में कैसे रहेंगे, ऐसी नहीं है तो नहीं रह पाते हो ना, बट देखो गरीबों का घर यार ऐसा होता है। जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, अभी अपन लोग बाहर निकल चुके हैं, लाइक मैं और फिर अभिषेक, और फिर आज हम लोग एक ऐसे जगह जा रहे हैं ना, वहाँ पे जाओगे ना तो खाने पीने का चीज, खाने पीने का नहीं बोल सकते बट खाने के लिए जा रहे हैं अपन लोग, तो इससे गेस करो खाने के लिए। तो बता देते अभी अपन लोग सिलाव की ओर जा रहे हैं और सिलाव में खाजा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है गाइज। सो अपन लोग जा रहे हैं खाजा खाने के लिए और फिर आप लोग को वहाँ का मार्केट दिखाने के लिए कि भाई खाजा का मार्केट कैसा होता है। लाइक इधर अपन लोग नालंदा में उतना टाइम से रह रहे हैं बट खाजा अपन लोग दो तीन बार ही लाने के लिए गए हैं और फिर खाए हैं, और मीठा मेरे को पसंद नहीं है तो इसी कारण से अपन लोग नमकीन खाजा के लिए जा रहे हैं मेनली। तो आप लोग को दिखाएंगे गाइस खाजा खुद में ही, मतलब खा जा, मतलब कोई रेट पूछे ना भाई ये क्या है, नाम पूछे तो बोले खाजा, तो उठा के पहले खा लेना, उसके बाद देखा जाएगा, बाद में पैसा मांगे या तो बोलना भाई आप ही तो बोले ना खाजा। तो ये इसीलिए अपन लोग अभी निकल रहे हैं बाइक से, मेरे साथ अभी सेक है और फिर हम अभी फिलहाल छाँव में थे क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा गर्म है। लाइक इधर ना इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि भाई बता ही नहीं सकते, एकदम लू चल रहा है बहुत तेज वाला, गर्म वाली हवा। तो अभी अपन लोग इतना धूप में ही निकले हैं, तो चलते हैं और फिर आप लोग का इधर का व्यू दिखाते हैं और फिर खाजा कैसे मिलता है आपको ना, 100 रुपये से भी मिलेगी खाजा, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये तक की भी खाजा मिलेगी, क्योंकि जैसा क्वालिटी वैसा रेट मिलेगा खाजा का। तो देखते हैं अपने को कैसा खाजा खाना है। लाइक मैं तो मीठा खाता नहीं हूँ तो नमकीन खाजा ही लेंगे, बट उससे पहले आप लोगों को दिखाएंगे सारा कुछ, खाजा का पूरा मार्केट टूर करवाएंगे और फिर सबसे चीप और फिर सबसे अच्छा वाला खाजा भी आपको दिखाएंगे। तो चलो भी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, अपना अभी से एक हेलमेट लगा चुका, अपन लोग पीछे बैठ चुके हैं और अभी अपन लोग निकल रहे हैं गाइस यहाँ से। अपना बाइक स्टार्ट हो गया और न्यूट्रल में बाइक रहता है क्योंकि इसका बैटरी नहीं है भाई बाइक में, मतलब बैटरी खत्म हो चुका, बट फिर भी और फिर देखो तेल, मतलब अब लोग भरा चुके थे यार पहले से ही तो तेल है और ना मीटर ख़राब हो चुका है, इसी कारण से वो देख रहे हो काटा ऊपर नहीं उठ रहा है। और फिर ये देखो मिरर में मैं, मतलब मैं वीडियो बनाते हुए भाई मिरर में देखो ना तो काफ़ी अच्छा सीन लगता है यार। और फिर इधर देखो ना तो ये स्कूल है, कौन सा स्कूल है, चाणक्य कॉन्वेंट स्कूल। और फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लाइक आप लोग देख लो कितनी गर्मी है, प्लस हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये देखो इधर ज़्यादातर टोटो ही चलता है, जितना भी देखो ना उतना टोटो ही चलता है। और फिर सारा बंजर जमीन, गेहूँ सारा कट चुका है इधर का, और उधर मक्का देखो भुट्टा भाई, वो देखो वो भी अब खाने लायक हो चुका है, लाइक वो तो भाई सूख चुका है, वो तो मतलब तोड़ लिया गया उससे मक्का, दिखने से लग रहा है टूटा हुआ मक्का वहाँ से, अपना गांव में खाने लायक हो चुका है। तो अपन लोग गांव जाएंगे एक और भुट्टा वाला भी वीडियो आप लोग को लाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताना भुट्टा वाला वीडियो चाहिए फिर ना चाहिए। ये देखो ये तिहारी गाँव और फिर आदर्श ग्राम तिहारी है ना, पंचायत राज। ये तिहारी है, इधर मंदिर है और ये गाँव देखो तिहारी गाँव, यहाँ पे अपना दोस्त का घर है भाई अंदर में, बट मैं कभी उसका घर लगता है एक बार गए हैं अपन लोग बट उतना याद नहीं है, इसके काफ़ी अंदर में तो मेरे को उतना पता नहीं है। तिहारी गांव है, देखो भाई एंट्री हो चुका है तिहारी गांव का, कैसा गांव है आपको दिखाते हैं अभी। लोग मतलब कैसे मिट्टी वाले घर में रहते हैं, हम लोग तो शहर में रहते हैं ना भाई, मतलब शहर में जो भी रहते हैं ना वो बोलते होंगे ना भाई छत में पंखा ना है, इतना गर्मी में कैसे रहेंगे, ऐसी नहीं है तो नहीं रह पाते हो ना, बट देखो गरीबों का घर यार ऐसा होता है, पूरा खपड़ी है, लाइन का कोई बंदोबस्त हो या फिर ना हो पता नहीं, लाइन रहे या ना रहे जिंदगी इसी में बीतता है गाइस। देखो तो यही गरीबी से उठ के ना कुछ लोग बड़े लोग बनते हैं ना तो अपना गरीबी का हाल भूल जाते हैं, बट वो नहीं भूलना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए भाई हर कोई इंसान को, कहाँ मैटर ये करता है ना आप कहाँ से उठे हो, तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही घर होता है भाई गांव में, देख रहे हो
बस छोटा मोटा सा घर, उसमें बस जिंदगी बीत रहा है। और फिर मजे से लोग खुशहाल जिंदगी भी जीते हैं भाई। जो गरीब लोग होते हैं ना, बहुत ही खुशी पूर्वक जिंदगी जीते हैं, मेरे को ऐसा मानना है। और पैसे वाले लोग को तो हमेशा टेंशन ही होता भाई, आज लॉस हुआ कल लॉस हो उसका टेंशन, इधर का टेंशन उधर का टेंशन। बट गरीब लोग में क्या है ना भाई, दो वक्त का पैसा कमाओ, दो रोटी खाओ, उसी में खुश रहो, मिलजुल के रहो। देख रहे हो कितना छोटा छोटा सा घर है, कितना प्यारा प्यारा सा घर है यार। ये देखो भाई भैंस, ओ भाई क्या धूप में, मतलब भैंस ऐसा जानवर होता है ना कि भाई कितना भी ठंडा आ जाए वो झेल लेता है, गर्मी भी झेल लेता है, बट गाय नहीं झेल पाती है क्योंकि नाजुक सा चीज़ होती है यार वो, इसी कारण से। और फिर ये देखो फिर से घर वैसा ही, ये तैयारी गांव है, अपना भी गांव में कुछ ऐसा ही घर है, बहुत सारा घर ऐसा है। और फिर हमारा भी था पहले कभी, आज से तकरीबन बहुत साल पहले, उस टाइम अपन लोग जन्म भी ना लिए थे उस टाइम था, बट अभी सही हो चुका है अपना घर। तो कोई बात नहीं यार, अपन लोग को ऐसा ही घर में अच्छा लगता है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग नहीं चाहिए अपने को, बस छोटा सा एक घर होना चाहिए जिसमें दो रूम हो। तो फाइनली भाई अभी हम लोग बड़गांव की तरफ एंट्री ले रहे हैं, बेगमपुर में अभी है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है बेगमपुर, और इधर आगे से बड़गांव है और फिर उसके आगे नालंदा है। तो हम लोग नालंदा होते हुए जा रहे हैं सिलाव और फिर अंदर अंदर जा रहे हैं क्योंकि मेन रोड में काफ़ी ज़्यादा जाम होगी ना। अब कुंडलपुर में आ गए ना, बड़गांव में आ गए। अच्छा उधर वो वाला गाँव था जिसमें अपन लोग क्रॉस किए ना, वो वाली गांव उधर था, अभी ये कुंडलपुर में आ गया, मतलब बड़गांव का रूट में ही आ गया। ये सारा कुछ बड़गांव में ही पड़ता है, इसके आगे जो भी बड़गांव का तालाब है ना, आपको याद ना होगा तो अपन लोग एक बार नहाए थे बड़गांव का तालाब में। ये देखो भाई सूर्य मंदिर तालाब ये है भाई, मतलब ये पानी कितना भी साफ करके डालो ना तो हरा ही पानी हो जाता है। कितना भी पानी डालना चेंज भी करोगे ना तो उसी जब चेंज होगा ना उसी वक्त तुरंत से हरा हो जाता है पानी। तो भाई यहाँ का पता नहीं क्या कृपा है जो हरा ही पानी रहता है हमेशा, पानी चेंज भी करो तो हरा ही होता है। और फिर ये सूर्य मंदिर है इधर, ये वाली अंदर से ये देखो, और फिर ये तालाब है, ये बड़गांव का भाई, मतलब बहुत ही बोल सकते हो ना वो जसी वाला तालाब है। और फिर मंदिर भी, और इधर से अपन लोग सामने जाएंगे तो नालंदा निकल जाएंगे मस्त वाला। भाई नालंदा खंडर पहुंच गई है, देखो पीछे का थोड़ा सा एक झोपड़ी है, लाइक ये सब तो पूरा चाय ये सब सारा कुछ मिलता है ना, वही ब्रेकफास्ट ये सब करने वाला। और फिर आगे है नालंदा खंडर का मेन गेट, यही वाला है। और ये देखो अंदर का जो बाउंड्री किया हुआ ना, सारा नालंदा यूनिवर्सिटी का ही है टोटल। देखो फ्लैग भी एक था वहाँ पे, अभी ना दिख रहा होगा। और फिर ये एंट्री गेट देखो, यही वाला एंट्री है, देख रहे हो नालंदा खंडर का, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ से एंट्री था। और फिर इधर म्यूजियम है जिसमें कि फ़ोन अलाउड बिल्कुल भी ना है भाई, अंदर जाने के बाद कोई फ़ोन अलाउड नहीं है। और फिर ये नालंदा के अंदर उधर एक गांव भी है। तो अभी तो अपन लोग नालंदा खंडर के पास पहुँचे और अभी बस जल्दी से पहुँच जाए सिलाव, यही अपने लिए बहुत ही बेहतरीन होगा क्योंकि आज 12 बज चुका है और फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फाइनली भाई अभी अपन लोग पहुंच चुके नालंदा मेन रोड, मतलब इधर फोर लेन बोल सकते हो, फोर लेन नहीं बट इससे हाईवे टाइप का रोड बोल सकते हो। तो अपन लोग वहां पहुंच चुके हैं और फिर ये जो सामने दिख रहा है ना ये मेन रोड आगे में है ना, ये वाली, इससे अपने को राइट साइड लेनी है क्योंकि राइट साइड सिलाव जाएगी और लेफ्ट साइड अपन लोग बिहार शरीफ की ओर चले जाएंगे। तो अपने को तो बिहार शरीफ से आए ही हैं अंदर अंदर से, ताकि रोड में जाम रहता है इसी कारण से अंदर से आएँ, तो अपने को इधर से राइट लेना पड़ेगा आगे से। बट यहाँ अभी थोड़ा बस घुस जाती है ना तो थोड़ा सा मतलब जाम देखने को मिलती है भाई। तो अभी आगे जाते हैं और फिर आगे से राइट टर्न लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सिलाव में मिलते हैं भाई आप लोग से। सो फाइनली भाई हम लोग सिलाव पहुंच चुके हैं और आगे उसका मार्केट है सिलाव का, खाजा वाला मार्केट। तो अपन लोग मार्केट में जाते हैं और फिर देखते हैं कोई सस्ता सा खाजा, सस्ता नहीं मतलब जो अच्छा सा खाजा होता है ना वो वाली देखते हैं खाजा, और फिर अपन लोग खा कर टेस्ट करेंगे और फिर आप लोग बताएंगे अच्छा लगे तो आप भी आना यार, क्योंकि सिलाव का ना खाजा के नाम से ही फेमस होता है। ये देखो स्टार्टिंग से ही खाजा स्टार्ट है, कुछ दुकान बंद है, ये देखो यहाँ भी खाजा, मतलब सारा जगह खाजा ही इधर मिलेगा, मार्केट ही इधर ना खाजा का, बहुत सारा खाजा का दुकान मिलेगा।
बट आप लोग कोई अच्छा सा जो भी खाजा खाते हो ना, तो अच्छा सा ही शॉप में जाना जो कि आपको सही से खाजा दे, सही क्वालिटी का खाजा दे। पैसा लगे तो लगे, लेकिन खाजा भाई अच्छा खाना। तो अभी अपन लोग चलते इधर भी, देखो इधर भी खाजा, ये खाजा का ही मार्केट, पूरा खाजा ही आपको दिखेगा भाई। नाम भी देखो ना, खाजा नाम क्या है, तो खाजा उठा के खा जाओ भाई, ऐसा वाला नाम भी है। इधर के साइड खाजा नहीं मिलेगा उतना, बट इधर के साइड खाजा ही खाजा सिर्फ है। ये देखो अपन लोग रॉन्ग साइड की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि अपने को खाजा लेनी है ना। ये भाई टोटल खाजा है, कोई अच्छा सा दुकान में जाना। ये देखो आगे वाला दुकान पे चलो, वो वाली खाजा, वो जो भैया निकल के दिखा रहा है ना, वो वाली दुकान पे। यहाँ से हम लोग दो तीन बार लिए हैं खाजा, तो यहीं पे हम लोग जाएंगे। सो ये भैया के पास आ गए खाजा लेने के लिए। खाजा लेना है भैया? लेना तो है हाफ के जी, नमकीन वाला होगा ना, हाफ के जी चाहिए। मीठा वाला नहीं चाहिए, नमकीन ही खाते। अच्छा भैया बताओ, कोई अच्छा सा खाजा का पहचान कैसा होता होगा? ज़्यादा चीनी, कम चीनी खाना होता। कम चीनी वाला, ऐसे खास्ता ये सब में होता है ना कि कोई ज़्यादा सा। हाँ हाँ अच्छा, ये सही बोल रहे हैं। कैसे नमकीन वाला? 230 अच्छा। और ये मीठा वाला? 160 मीठा वाला तो नहीं खाना, कौन सा खाएगा? एक तो टेस्ट करवा दे नमकीन वाला। तो पहले भाई टेस्ट करते नमकीन वाला हम लोग, ये टेस्ट करेगा अभी से एक, और फिर देखते क्या सीन होता कैसा। नमकीन हाफ के जी चाहिए। हाँ तो हम लोग लेके जाएंगे, दोस्त लोग खाएंगे है ना उसे। तो हम सारे दोस्त लोग ही खाते हैं नमकीन वाले, क्योंकि देखो मीठा तो मेरे को उतना पसंद नहीं है, क्योंकि चीनी वाला जो भी होता है ना हार्मफुल ही ज़्यादातर होता है। शुगर का प्लस चीनी भाई बहुत सारा केमिकल से ही बनता है, इसी कारण से हम लोग नहीं खाते हैं। क्या भैया नमकीन वाला मीठा नहीं खाते हैं? अच्छा ताज़ा वाला हम लोग को दे रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है ठीक, वो देखो कैसे बनता है भाई, एक लंबा सा रोल बनता है एकदम सामने की साइड, देखो बनता हुआ एकदम दिख रहा है। वो वाला मतलब इधर से दे रहे हैं, अच्छा वाला ये देखो, खा के बताना कैसा टेस्ट है। मीठा है, सही सही है। और देखो सामने एकदम लाइव बन रहा है, अभी अपन लोग ना गर्मा गर्म टेस्ट करके देखेंगे। तो ये देखो भाई कैसे बनता है यार, काफी मस्त वाला प्रोसेस होता है इसका। अच्छा ये वाला ज्यादा मीठा था, इसमें देखो ऊपर से ही दिख रहा है ना काफी ज्यादा मीठा है, चीनी ज्यादा है। हाँ और इसमें देखो एकदम मस्त मेंटेन करके चीनी दिया हुआ है इसमें, चीनी कम। हाँ तो अभी हम लोग नमकीन वाला टेस्ट करेंगे। तो ये देखो ये नमकीन वाला आ रहा है हम लोग के लिए, मतलब हम लोग के लिए ना भैया, मतलब यहाँ से लेते हैं ना, तो ये भैया थोड़ा जानते भी है, तो अच्छा वाला ही हम लोग को जो भी देंगे वो देंगे। तो अभी हम लोग नमकीन वाला टेस्ट करके देखते हैं, ये नमकीन टेस्ट करके बताना उसे। हाँ अभी मीठा का टेस्ट किया और फिर अभी नमकीन का टेस्ट करेगा, सही है। तो ये नमकीन वाला ही हाफ के जी अपन लोग लेते हैं, नमकीन वाला हाफ के जी कर दिएगा ठीक है। अभी गर्मा गर्म निकलेगा वही ना, हाँ वही जो गर्मा गर्म निकल रहा ना वो देखो अभी, तो वही वाला अपन लोग लेंगे हम लोग। तो बस देखते हैं, और भी काफ़ी सारा दुकान है, बट यहाँ से ही हम लोग दो तीन बार जब भी लिए ना, तो इन्हीं भैया के यहाँ से लिए दो बार, और उसके बाद तो हम तो कभी आए नहीं हैं, बस दो बार यहाँ से लिए हैं। दोनों बार मेरे को काफ़ी अच्छा लगा नमकीन वाला। मार्केट तो बहुत ही बड़ा, आप लोग घूम सकते हो भाई, मतलब जिधर भी अच्छा लगे ना उधर से घूम के ले सकते। ये तीसरा बार हम लोग का है यहाँ पे। तो ये देखो अपना गर्मा गर्म मस्त वाला निकल चुका, और अभी वो वाली पोटरी में जाएगा भाई, कागज वाले में, और फिर यहाँ पे भाई तौला जाएगा कितना होता है अपना। हाफ के जी लेंगे क्योंकि मैं अकेला, और फिर प्लस दोस्त लोग खाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा कितना खा सकता है। ये जो भी होता है ना नमक वाला, ये काफ़ी हल्का चढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चढ़ता है, इसीलिए कॉस्टली होता है। और फिर शुगर वाला भाई इसलिए कम पैसा में होता है ना, क्योंकि ये ज़्यादा चढ़ता है, कम चढ़ता है इसलिए सस्ता होता है, और फिर वो ज़्यादा चढ़ता है इसलिए महंगा होता है। तो बस यही कुछ रीज़न होता है सस्ता और महंगा होने का कारण। और फिर ये वाली उससे थोड़ा महंगा हो, क्योंकि ये वाली उससे थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ता है, ज़्यादा मोटा वाला चीनी से थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ता है इसी कारण से। तो ये देखो अपना तौला रहा, हाफ के जी हो चुका भाई। हाँ हाफ के जी, तो ये अपना देखो हाफ के जी हो गया 520 ग्राम भाई, हाफ के जी तैयार हो चुका है अपना। तो अभी सेक लेगा, अपन लोग पैसा पे करते और भी आपको आगे का मार्केट दिखाते, बट पहले अपन लोग यहाँ से ले लेते हैं।
ये देखो बहुत ही बड़ा मार्केट है यार सिलाव खाजा का, मतलब एकदम उधर के साइड जाओगे ना सारा उधर तक है, प्लस ये वाली मार्केट खत्म होती है उसके बाद भी एक और खाजा का मार्केट है आगे में, क्योंकि यहाँ पे दो दो मार्केट कर दिया, पहले यही एक मार्केट था अब दो दो मार्केट कर दिया सिलाव खाजा का। तो अपन लोग तो ले चुके हैं और फिर अभी से एक यहाँ पे है, तो अभी अपन लोग यहाँ से पहले आगे जाते हैं फिर आपसे कुछ कौन। अच्छा वो देखो भाई ये खाजा 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 भाई लेके खाजा खाजा लेके खा जाओ, कोई खाजा बोलना पूछो क्या है तो खाजा बोले लेके खा जाओ, बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, जैसे मैं ये बोल रहा है खाजा खाजा। तो भाई ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा है बोड़ी भाई, इसमें ना कट्टू बहुत सारा भरा हुआ है, मतलब ये जो जानवर खाता है ना गाय भैंस ये सब वही वाली कट्टू है। अगर एक बोड़ी लोगे ना, एक बोड़ी अगर दो जानवर खा रही है ना तो 5 दिन तो आराम से खाती है, तो इसमें टोटल कितना बोड़ी होगी सोचो यार, लाखों का संपत्ति यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, इधर टोटल जानवर का खाने वाला। ये देखो इधर भी बोड़ी है, इसे भी जानवर का खाने वाला कट्टू ही है, कट्टू इसको बोलते हैं हम लोग, जो भी गाय भैंस खाती है ना, जो धान वाला उधर दिख रहा है चारों तरफ से घेरा हुआ है ना उसी का कुट्टी कटाता है पहले एक मशीन से और फिर इसको बोरी में पैक करते हैं और फिर बेचा जाता है। तो ये सब लाखों लाखों का पिंजी, एक पिंजी ना 1 लाख से कम का पूंजी ना होगा, वो जो लगा हुआ है ना एक इकट्ठे रखा हुआ 1 लाख से कम का नहीं होगा, ऐसा ऐसा करके ना बहुत सारा इधर लोग बेचते हैं। पहले वो निवारी, निवारी को कटिंग करके वो कट्टू बनता है, वो निवारी का पिंज दिख रहा है ये वाली, इसको पहले कटिंग करते हैं और फिर बोड़ी में डाल के वो पैक करते हैं कट्टू। तो ये वाली निवारी पहले ये लोग खरीदते हैं, है ना, पहले अभी 3000 रुपया का 1000 पीस आटी मिलता है, उसको ये लोग कट करके बेचते हैं भाई। तो सोचो यार मतलब कितना पैसा ये लोग कमाते होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं यार। सो फाइनली गाइस अपन लोग 1/2 kg खाजा ले लिए, क्योंकि अपन लोग मीठा नहीं खाते ना, मीठा में उतना पसंद नहीं है, नमकीन ही अपन लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मीठा से भाई मतलब शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, प्लस जो चीनी वाला मीठा होता है ना वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपन लोग मीठा में गुड़ ये सब खाते हैं, कभी कभी गुड़ खाते हैं, बट चीनी तो एकदम अवॉइड करके रखें गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केमिकल से चीनी बनता है, इसलिए चीनी आप लोग ना खाओ वही सही होगा। और मैं नमकीन ज़्यादा खाता हूँ, खाजा जब भी आता हूँ ना तो मैं नमकीन खाजा ही में ही लेता हूँ 2 या फिर 3 बार, मेरा ये तीसरा या फिर चौथा बार ये खाजा है, मेरे को उतना याद नहीं, बट 2 बार तो 100% कन्फर्म 2 बार मैंने खाजा लिया था नमकीन वाला ही, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो अपन लोग 1/2 kg खाजा लिए, अभी घर जाएंगे और फिर सारे लोग दोस्त लोग मिलके इसको खाएंगे मज़े से, और फिर अभी तक तो टेस्ट भी किया उसको अच्छा भी लगा और प्लस मेरे को वहाँ का खाजा अच्छा भी लगता है। तो सोच रहे गाइस जब भी यहाँ पे अपन लोग वीडियो को एंड करें, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। तो अपना खाजा मस्त वाला यहाँ पे टंगा के जा रहा है भाई, ये देख रहे हो ये पन्नी में, और फिर ये अपना हेलमेट, और फिर ये अपना बाइक का चाबी इसी में लगा हुआ, और फिर ये अपना बाइक, और फिर ये अपन लोग वीडियो बनाते हुए। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, सामने एक साइड बोर्ड देख सकते हो, रुइंस ऑफ नालंदा।